स्लोप ग्रेडियंट इस तरह की चीजें स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड अब पढ़ रहे थे। पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन हो गई थी मेरे बच्चों। हाँ बेटा, पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन हो गई थी बेटा। यस सर। चलो एक एग्जांपल लगाते हैं। आपके पास एक ए पॉइंट है, पॉइंट ए है मेरे पास बेटा 0 0, और बी पॉइंट है मेरे पास 2 3, एंड एक सी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग 2 -2, एंड डी पॉइंट 3 5। आपको बताना है बेटा एंगल एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। आपको ए बी एंड सी डी के बीच एंगल बेटा बताना। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? दो लाइनें ड्रॉ करेंगे हम, दोनों लाइनें इस तरह से हम देख सकते हैं। एक अपनी ए बी लाइन है, अब वो कहीं भी है मैं तो ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, एक सी डी है। तो दोनों लाइनों का जब आप बीच का एंगल निकालने जाते हैं तो हमें एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला मालूम है बेटा? टेन थीटा इक्वल टू M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। याद है मुझे बेटा? ठीक है ना बेटा। और M1 इस लाइन के लिए स्लोप का काम करने वाला है और M2 इसके लिए। और M निकालने का तरीका क्या था? याद है बेटा ये M निकालने वाला तरीका? याद है मेरे बच्चों को? ठीक है बेटा, दोनों M निकालें पहले आप इसमें। M1 M2 निकालें बेटा। आगे बेटा M1 M2। यस सर। 3/2 और 7। जी तो एक मेरे पास आ टेन थीटा गया इक्वल टू 11/20। इस तरह से हो गया ना बेटा। तो अपने पास टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? मैं 7 - 3/2 अपॉन 1 + इस तरह से 3/2 × 7, पूरा मॉडुलस ले लेते हैं तो ये आएगा अपने पास 11/23। यस सर। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका ये मिला, तो थीटा निकालना है तो इनवर्स कर देंगे हम इस तरीके से। ओके ठीक है ना बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट लगाते हैं। इस बार वो कहता है कि दो लाइनें हैं, मैं फिगर से ले लेता हूं, लिखने में लंबा समय लगता है, दोनों के बीच 45 डिग्री एंगल है। कितना है बेटा दोनों के बीच? 45 डिग्री एंगल। उसमें एक लाइन की जो स्लोप है, या मैं कह दूं सीधा सा M1, वो आपको हाफ दी हुई है और M2 आपसे बेटा पूछा गया। ठीक है, लगाएं जरा। फॉर्मूला अपने पास वही रहने वाला है,
जब इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं ना बेटा, ये मोडुलस हटाते हैं ना अगर, तो क्या यूज करते हैं? प्लस माइनस क्या यूज करते हैं मेरे बच्चों? प्लस माइनस यूज करते हैं। तो ये अपने पास आ गया 1045, प्लस माइनस यूज कर लो, और m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 इंटू हाफ, ठीक है। दो कंडीशन यहां से मेरे को बनानी होंगी बेटा, एक हो गई अपने पास प्लस लेने से जो हो गया 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन m प्लस m2 प्लस 2, ऐसा बनेगा क्या? एलसीएम के बाद बेटा, एलसीएम के बाद लिखा है मैंने ऐसे। ऐसे ही इस तरफ जाऊंगा तो वही फॉर्म होगा, लेकिन इस बार क्या लिखा जाएगा बेटा? माइनस 1। समझ आ रहा है मुझे? क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। अब अपने को क्या कर देना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है और यहां से m की वैल्यू आ जाएंगी, m2 मतलब निकाल लो। सर प्लस 3। यस, एक प्लस 3 और एक माइनस 1 अपॉन 3। बेटा हमने नॉर्मल फॉर्म वगैरह सब पढ़ लिए थे ना, याद है आपको? यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म पढ़ लिए थे ना हमने? हाँ जी बेटा। यस सर। सर हाँ जी सर, यहाँ पे पॉजिटिव साइड से 3 वैल्यू आएगी और नेगेटिव साइड से माइनस की 1/3। अच्छा चेक कर लेना, मैं तो बता रहा हूँ दो रिजल्ट होंगे, हो सकता है चेंज हो। ओके चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है, अब की बार ना यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दे रहे हैं वो, तब एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइन्स, इसमें एक L1 में कह देता हूं, फर्स्ट लाइन है मेरे पास 3x plus 4y plus 7 equal to 0, और एक L2 है 4x minus 3y plus 5 equal to 0। ये दो लाइनें हैं, एंगल बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन मार्क, लाइनें आपको दे दी गई हैं L1 L2, एंगल निकालना है। हाँ बेटा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता था बेटा? आपको m1 m2 निकाल देने हैं, फॉर्म क्या बनाओगे? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c बना लूंगा मैं पहले, वहां से कंपेयर करके m आ जाएगा, तो दोनों से मैं ऐसे ही निकालने वाला हूं। तो यहां से अगर मैं m की बात करता हूं तो माइनस 3/4 होगा, पहली इक्वेशन के लिए बात हो गई, और सेकंड से जब जाओगे क्या आएगा भाई? सोचो बेटा, फोर बाई थ्री। हाँ जी बेटा। यस सर। और मुझे टेन थीटा के लिए क्या करना चाहिए? अपना m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, यही तो कंसेप्ट है, यही तो फॉर्मूला बेटा। क्यों बेटा? यस सर। चलो लगा दो। मैं ये देखता हूं कि m1 m2 का प्रोडक्ट तो माइनस 1 आ गया, चेक करो दोनों का प्रोडक्ट,
आ गया माइनस वन मेरे बच्चों। यस सर, 90 डिग्री। हाँ तो जब ये ऐसा हो जाता है तो थीटा अपना 90, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई सिचुएशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट टॉपिक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से, और छोटा सा ही लूंगा मैं, ज्यादा बड़ी ज्ञात वो नहीं लेनी है बातें। ये अपने पास एक ट्रायंगल जैसा मैंने बना लिया है वैसे, लेकिन ये ए बी दो पॉइंट है और ये एक लाइन है ऐसे जो जनरली हम बनाते ही हैं, याद है मेरे को? अगर ये थीटा होगा तो यहां भी थीटा ही तो बनेगा बेटा, सोचो। अगर वो थीटा है तो ये दोनों थीटा ही होंगे। यस सर। अब एक पॉइंट मैंने ले लिया ये एक्स वन वाई वन, और मुझे ये पता नहीं है कोई भी वेरिएबल पॉइंट है एक्स वाई, कोई समस्या नहीं है अभी तक। अगर मैं ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं तो ये डिस्टेंस होगी एक्स माइनस एक्स वन। हाँ बेटा। यस सर। और ये हाइट यहां से यहां तक का पार्ट अगर लोगे तो वाई माइनस वाई वन होगा, क्या कहते हो? डन बेटा। यस सर। अब अगर ये डिस्टेंस आर हो तो थोड़ा बाद में चलते हैं इसको आर को तो लेने हम, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई टेन थीटा जो होगा वो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन होगा? सोच लो, होगा बेटा? भाई टेन थीटा निकाल रहे हो ना ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा को मैं क्या साइन अपॉन कोस बोल सकता हूं? बताओ। टेन थीटा साइन अपॉन कोस भी तो हो सकता है मेरे बच्चों, और इसी को थोड़ा सा बदलाव करके अगर मैं लिखूं इस तरीके से, ये अपने पास y माइनस वाई वन और ये cos थीटा अपॉन x माइनस x वन, या तो ऐसे या उल्टा करके भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो। एक ही बात हो गई ना भाई, आप इसको समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया आपने एक तरह का। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना ये जो चीजें लिखी है ना ये वाले। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसे साइन थीटा लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लिखूंगा क्या? आर, हाइपोटेन्यूस आर है ना मेरा, क्यों बेटा? लिखूंगा। यस। और ऐसे ही कॉस थीटा लिखा जाना चाहिए, ये लो साइन थीटा कॉस थीटा बना अपना। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि आर की वैल्यू निकाल दूं यहां से इस तरीके से, और यहां से भी आर निकाल लो आप, निकल सकता है क्या? हाँ बेटा। यस सर। अब इनको इक्वल रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनको इक्वल। तो इक्वल कैसे? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर। क्या ये मेरी पकड़ में आ गई बात? इसी को बोलते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक। लिख ले बेटा इसको पैरामेट्रिक फॉर्म को। इसी से बदल के क्या लिखा जा सकता है? अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ऐसा भी तो कर सकता हूं,
वाई इक्वल टू ऐसे ही होगा, ये भी हम बदलाव कर सकते हैं। हो गया मेरे बच्चों? यस सर। चलो इस पे एक एग्जांपल ताकि सही से क्लियर हो जाए। द स्लोप ऑफ अ लाइन passing through is 3/4। आपको स्लोप कितना बोल दिया बेटा? 3/4 स्लोप बोल दिया। ओके उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points on the line that are 5 unit, kitna beta? 5 unit away from A. कितने यूनिट अवे बेटा? 5 यूनिट। स्लोप कितना? 3/4। लगाओ जरा ध्यान से बेटा। तो क्या मैं ये मान लूं कि जो कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं दिए हुए पॉइंट के हिसाब से वो मुझे यहां पर मिल गए 3/2? क्यों बेटा? x1 y1 समझ आ गया मेरे को, पॉइंट मिल गए। यस सर। अब अगर मैं थीटा की बात करना चाहूं तो इसे थीटा लिख लेते हैं, यहाँ 3/4, तो ये पाइथागोरस से 5 आना चाहिए, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है मुझे यहाँ तक बेटा? यस सर। तो बेटा मैं यहाँ से अगर कोस थीटा पे बात करता हूँ तो 4/5, और बेटा साइन थीटा क्या होगा? 3/5। यस नो? यस सर। अब मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से x हो गया x1 + r cos थीटा, और y हो जाएगा अपना y1 + r sin थीटा। यस नो? x1 कितना आया मेरे बच्चों? 3। r कितना है? 5। ये देखो r है ये, और cos थीटा कितना हो गया? 4/5, मतलब 7 हो गया ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट। हाँ जी बेटा। यस सर। और दूसरी तरफ जाऊंगा तो स्टार्टिंग 2 से प्लस r की वैल्यू 5 और ये 3/5, तो ये 5 हो गया भाई। अब एक चीज थोड़ी सी समझने वाली ये है, जो डिस्टेंस है आपकी यार, ये ऐसे देखो ना, तो इसका ये नहीं पता मुझे कि ये इस तरीके से है या बी पहले है ये बाद में है। तो इस केस में ना इसे प्लस माइनस लगा लिया जाता है। यहाँ पर क्या लगा लिया जाता है बेटा? ये प्लस माइनस क्या लगा लिया जाता है बेटा? प्लस माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये प्लस माइनस ऐसे जाएंगे, और फिर यहां से एक्स के भी दो रिजल्ट की मैं बात कर लेता हूं, और ऐसे ही वाई के लिए बात कर लेता हूं। आया कुछ क्लियर मेरे बच्चों को? तो जब जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो 7/5 का कॉम्बिनेशन होगा, माइनस वन माइनस वन।
या फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा कोऑर्डिनेट। सो माइनस वन होगा ना? हाँ बेटा, दोनों जगह माइनस टू माइनस वन, नहीं माइनस वन ही आएगा। यस फोर है ना? ठीक है ठीक है। हो गया बेटा? हाँ जी बेटा। यस चलो नेक्स्ट एक और अच्छा सा क्वेश्चन। इसमें कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है 23 है बेटा, टू थ्री फ्रॉम द लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो measured along the line measured along the line 2x minus 2y plus 5 equal to 0। ठीक है बेटा? चलो ध्यान से करना, ध्यान से सोचो पहले। समझ आ रहा है बेटा कुछ क्या करना चाहिए? विनय बेटा? यस सर। समझ आ रही है बात क्या करना है? थोड़ा भी कर रहा। हाँ चलो ट्राई करो। मुस्कान? यस सर करना। हाँ सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले ना इसकी कोशिश करो, फिगर कुछ बना सकते हो अगर, सोच सकते हो फिगर के बारे में कि कैसा होना चाहिए इसका। आया बेटा? फाइव रूट थर्टी सेवन बेटा कितना? फाइव रूट थर्टी सेवन अपॉन फोर। थोड़ा ज्यादा टिपिकल आ गया ये। चलो मैं इसकी फिगर से थोड़ा सा सोचता हूँ कैसे बनना चाहिए। वो कह रहा है, उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, यानी कि एक लाइन ऐसे है, ये वाली लाइन, ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। अब ये लाइन कोई ऐसे होगी, ये वाली लाइन, ठीक है, लेकिन पॉइंट ना इस लाइन पे लाई कर रहा है ना इस पे, कोई सी पे भी नहीं है वो, तो ये पॉइंट कहीं ऐसा हुआ। समझ आ रहा है बेटा ये? अब मुझे एक बात पकड़ में आई कि इस लाइन के अलोंग है तो ये लाइन भी ऐसी बननी चाहिए, ऐसे होगी ये लाइन। आ रहा समझ में बेटा? मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। क्या हो गई दोनों लाइनें? पैरेलल। तो इसकी अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो ये हो गया अपनी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओगे, वन आएगा बेटा। तो इसकी स्लोप भी आपकी वन ही हो गई है, पैरेलल लाइन की स्लोप तो इक्वल होती है ना, और पैरेलल, क्यों बेटा? पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है, इक्वल होती है, तो ये भी अपना वन बन गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से
पास हो रही हो, वो होगी x माइनस x1 यूज होता है m के साथ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 3 इक्वल टू 1 x माइनस, यस नो? तो यहां से मैं देखता हूं इक्वेशन बना करके, ये बन गई क्यों बेटा, बन गई? अब ये पॉइंट कहां से निकले, ये पॉइंट, ये जो लाइन है अपनी थर्ड, इसे वन कह दो, इसे टू कह दो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन, ओ सॉरी टू एंड थ्री, सॉल्व टू एंड थ्री फोर एक्स एंड वाई, एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लो इनको, क्या करो बेटा एक्स वाई के लिए इनको सॉल्व कर लो, तो ये ट्वाइस कर लो, पहले टू टू और ये टू, अब इसके साथ इसे रख लेते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन ये रही, टू एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये माइनस प्लस माइनस ये हट गए, माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू सेवन, क्यों बेटा? हाँ बेटा सही आ गया बेटा, यस सर, ये इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, अब इसमें आप जब y की वैल्यू सेवन रख दोगे तो x माइनस सिक्स, हाँ मेरे बच्चों x माइनस सिक्स आ जाएगा, यस नो? सर प्लस का सिक्स आएगा ना, नहीं जब ये सेवन रख लोगे, अच्छा हाँ ठीक है वो उधर गया ना, ठीक है फोर रूट टू आ रहा, हाँ फोर रूट टू, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फोर रूट टू यूनिट आ जाएगी, ठीक है बेटा, ठीक है, आ गया बेटा समझ? यस सर। अब इसे दूसरे मेथड से भी करते हैं, दूसरा मेथड कौन सा, जो अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, मैं उससे और लगाऊंगा, इसे नोट कर लो ताकि मैं इसे हटा सकूं, नोट कर लो बेटा इसे, मैं हटाऊंगा, हो गया बेटा सर अभी, हाँ नोट कर लो, मैं इसे हटाऊंगा बेटा अभी, दूसरा मेथड फिर सिखाते हैं, चलो अब दूसरा मेथड के लिए इसे मैं हटा रहा हूं यहां से, चलो फिगर तो बेटा वही पकड़नी है मेरे को, फिगर उसी तरह की होगी कि ये नीचे एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन ये है, ये पॉइंट से होने वाली लाइन हो गई, ये पॉइंट है अपने पास टू थ्री, ये लाइन अपने पास थी टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और ये लाइन है अपने पास टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, मुझे इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता, मैंने आर ले ली, अभी पैरामेट्रिक फॉर्म जो थी वो यही तो थी बेटा, याद है अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, देखो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन
साइन थीटा इक्वल टू आर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म था अभी। अभी मैंने ये बात की है कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या था मेरा, वन। यस सर, वन था, तो एम इक्वल टू टेन थीटा मैं तो सीख करके आया था भाई, क्या ये 45 डिग्री बना एंगल? यस सर। अब पैरेलल लाइन है तो दोनों के एंगल सेम ही होने चाहिए, यस नो? यस। तो ये भी अपना स्लोप के अकॉर्डिंग थीटा कितना बोलेगा, क्यों बेटा 45 डिग्री होगा इसके लिए भी एंगल तो? यस सर। अब क्या मैं यहां से देखो एक्स क्या निकालते थे, याद है मेरे को? x निकलेगा x1 प्लस r cos थीटा, तो x1 कितना 2, r कितना है पता नहीं, 1/√2। यस नो, ये बात क्लियर हुई मेरे को? यस सर। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही y क्या आएगा, y1 प्लस r sin थीटा मेरे बच्चों, y1 कितना है 3, वैल्यू तो सेम ही रहना है, क्या कहते हो? xy आ गए, ये जो xy आए हैं ये आपके इस लाइन, ये जो l2, ये l1, ये l3 कह दो, ये वैसे 2 होनी चाहिए, ये l3 कहो, ये जो L3 लाइन है जो आपसे पूछने वाली लाइन है, ये इस लाइन का कोई भी वेरिएबल पॉइंट है तो? क्यों बेटा? मैंने मान लिया ये इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो गए, M के कोऑर्डिनेट बन गए एक तरह से, और ये M पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस लाइन पे भाई, M पॉइंट तो कॉमन है ना, ये वाला तो कॉमन है, क्यों बेटा? Yes, sir. ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए ट्वाइस ऑफ 2 प्लस आर अपॉन रूट 2 माइनस थ्राइस ऑफ 3 प्लस आर अपॉन रूट 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई ये वाली? बेटा आर निकालना यहां से, सो 4/√2। फोर रूट थ्री, फोर बाई रूट नहीं, 4√2। हाँ 4√2 बेटा सेम ही आएगी, तो आर आ गया अपना 4√2 यूनिट्स, ठीक है। हो गया बेटा? यस सर। चलो वो लगाते हैं नेक्स्ट कंडीशन। आपको पोजीशन बतानी है किसी पॉइंट की लाइन के रेस्पेक्ट, ठीक है? तो पोजीशन of two points with respect to a given line, मान लो आपको एक लाइन दे दी गई, L लाइन है, L लाइन की इक्वेशन आपसे कहा कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पी
एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट है क्यू एक्स टू वाई टू। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, आप एक इसमें पॉइंट पास करोगे, जब पी पॉइंट पास कर रहे हो आप, तो कैसी फॉर्म बनेगी? ए एक्स वन बी वाई वन सी इक्वल टू जीरो। मतलब आप ना इसे जीरो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप इसकी ना साइन की बात करो। ऐसे ही क्यू पॉइंट से पास करोगे तो क्या बनाओगे भाई? ऐसी फॉर्म होगी दूसरी। यस सर। पासिंग पी एंड क्यू कर दिया मैंने, और पास करके इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन वन या फॉर्म वन फॉर्म टू। दो वैल्यू आ गई ना, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप की होंगी ये बेटा। अभी करके देखेंगे हम क्वेश्चन, जब एग्जांपल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि मैंने ऐसे पास करके दो वैल्यू बना ली। अब इसमें अगर ये इक्वल टू जीरो जीरो आ जाए, पहली चीज ए कंडीशन, इफ बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन का मतलब जानते हो? या तो दोनों प्लस और या दोनों माइनस। सेम साइन का मतलब दोनों प्लस हो या तो, या दोनों माइनस। दोनों अगर सेम साइन के हैं तो सेम साइड हो गई, क्या हो गए? सेम साइड, यानी कि लाइन के एक तरफ ही होंगे, या तो इधर ही होंगे, ये पी क्यू दोनों सेम साइड हो जाएंगे। कब? सेम साइन कंडीशन पे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दूसरी कंडीशन पी, इफ बोथ हैव ऑपोजिट साइन, तो ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। ये ऑपोजिट साइड्स का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट इधर होगा और दूसरा इधर होगा, फिर दोनों लाइन के अलग अलग साइड होंगी, दोनों पॉइंट अलग अलग साइड में होंगे फिर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और तीसरी कंडीशन क्या है भाई? इफ बोथ आर इक्वल टू जीरो, दोनों क्या आ गए? जीरो आ गए। और सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। Then, they lie on the line. They lies on the line. क्या होगा बेटा फिर? दोनों के दोनों लाइन पर लाई करेंगे। फिर से रिपीट, फिर से समझते हैं इसको। इसको फिर से समझ रहा हूं बेटा। ऐसे एक लाइन की इक्वेशन और इस तरीके से दो पॉइंट। अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के कहां लाई करने वाले हैं, किधर होंगे किधर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पी पॉइंट से पास करके एक फॉर्म बना लेता हूं, क्यू से पास करके एक फॉर्म बना लेता हूं, तो ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी। अभी एग्जाम्पल लगाएंगे तो क्लियर हो भी जाएगा। अब इसमें पॉइंट बनते हैं तीन टाइप के। नंबर एक, कि अगर दोनों के दोनों सेम साइन के हैं, किसके हैं बेटा? दोनों के दोनों सेम साइन के हैं तो सेम साइड लाई करेंगे। या तो दोनों प्लस होने चाहिए या दोनों माइनस, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो दोनों सेम साइड लाई करेंगे पॉइंट। लेकिन अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएं, ऑपोजिट कैसे कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस या
माइनस प्लस, इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अगर, ठीक है, तो दोनों ओपोजिट साइड आई करेंगे। देखो ये रहे ओपोजिट साइड में, एक लाइन के लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, या एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। क्लियर है? लास्ट कंडीशन, कहीं अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि उन पॉइंटों ने लाइन को सेटिस्फाई कर दिया या आंसर इक्वल टू जीरो आ गया, तो उस केस में वो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा, यानी कि लाइन पर एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, सही है बेटा? यस सर। अब इसे नोट कर लो, फिर अगला एक एग्जांपल लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको थ्योरी। लिखो बेटा एग्जांपल। यस सर। चलो आर द पॉइंट्स टू वन एंड माइनस थ्री फाइव लाइज ऑन द सेम साइड सेम और ओपोजिट साइड ऑफ द लाइन। लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करना है। थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, उसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करने का बस टाइम है ये। ओपोजिट साइड्स, सबसे पहला काम क्या है भाई, एल अपने पास क्या है, एल अपने पास है लाइन एक, वो है अपनी 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें एक पॉइंट P जो है वो अपना 2-1 में पास कर रहा हूं, तो L1 कह दो। L1 सिचुएशन क्या है कि देखो 6 माइनस 2 प्लस 1, तो L1 सिचुएशन बन के क्या आ गई बेटा, 5 पॉजिटिव बन के आ गई। हाँ बेटा, ऐसे ही Q के लिए बात कर लो, L2 माइनस 18। अभी L2 हो जाएगा एक तरह से, ये क्या लिखने वाला हूं मैं, माइनस 9 माइनस 10 प्लस 1, तो ये अपने पास माइनस 18। क्यों बेटा? यस सर। व्हाट है वो ऑपोजिट साइन? यस सर, तो ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स। ठीक है ना? क्यों बेटा, ठीक है? यस सर। अब एक कंडीशन और है, वो है कि अगर एक पॉइंट हो, ध्यान देते हैं, एक पॉइंट है ऐसे अपने पास x1 y1 और एक लाइन हो गई, एक मेरे पास लाइन हो गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहा जाता है कि भाई ये जो पॉइंट है ओरिजिन साइड लाई करेगा या नहीं करेगा, क्या कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ओरिजिन की तरफ है या नहीं है। तो अगर मैं फिगर के हिसाब से सोच लूं तो एक पॉइंट तो मेरा ओरिजिन ही बन गया, एक कोई लाइन हो जाएगी, ठीक है, और एक पॉइंट अपने पास ये पी है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग
मैं पॉइंट रख के देखूंगा। एक पॉइंट क्या बना, अब ओरिजिन साइड की तरफ बात कर रहा है, जीरो जीरो, क्यों? एक पॉइंट तो जीरो जीरो हुआ ना मेरे बेटा, और दूसरा पॉइंट ये खुद देता है ऐसा। अब दोनों पॉइंट रख लो, दोनों पॉइंट रख लोगे तो आपको फिर वही न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएंगी, जैसा कि ये जो पीछे वाला एग्जांपल था, यहां पर ऐसी तो वैल्यू आ गई, देखो इस तरीके से ऐसे दो वैल्यू आई थी ना अपनी पॉइंट रखने के बाद। अब मुझे ये चेक कर लेना है कि क्या साइन सेम है, सेम साइन से मतलब जीरो जीरो रख करके एक साइन मिला, एक उसने पॉइंट दिया है, अगर दोनों के साइन सेम है तो वो अपने ओरिजिन साइड लाई करेगा, और साइन ओपोजिट आ गए तो ओरिजिन के दूसरी साइड लाई करेगा। ठीक है, एग्जांपल लगाते हैं, देखो अभी होगा, एग्जांपल लगाएंगे। एग्जांपल में लिखे इज द पॉइंट टू माइनस सेवन लाइज ऑन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन लाइन की इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ऑपोजिट साइड, इसका मतलब ये हुआ कि जिधर ओरिजिन है उधर ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, है ना? तो मेथड अपना ले लेते हैं फटाफट से। ये अपने पास एल हो गई लाइन 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक पॉइंट P मैंने मान लिया ओरिजिन वाला है, और दूसरा मैंने Q पॉइंट ले लिया 2 माइनस 7। तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग L1 जो बन के आएगा वो बन के आएगा 2। क्लियर है मेरी बात बेटा? भाई जीरो जीरो रखोगे टू ही तो बचेगा बेटा। यस सर। और ये एल टू कह देते हैं, इसे रख के देखेंगे तो फोर माइनस सेवन प्लस टू, क्यों बेटा? माइनस वन। यस सर। ओपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब पॉइंट्स विल लाई ऑपोजिट साइड्स। क्यों बेटा? ऑपोजिट साइड, तो ओरिजिन अगर इधर है तो ये पॉइंट इधर कहीं होगा अपना। क्लियर हो गया? इस तरीके से सही है ना बेटा? यस सर। चलो ओके बेटा, कुछ पूछना है? आज थोड़ा सा डिले रहा है ना, थोड़ी सी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थी। चलेगा कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, बढ़िया सी मेहनत करते रहें। ओके।